हम लोग हरना पंडाल से निकल गए हैं, अब बरोड़ा की ओर प्रवेश कर गए हैं। ये देख सकते हैं बरोड़ा का खदान है। हम लोग मंदिर तुरंत ही थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। बाइक बहुत तेज़ी से चला रहे थे पर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी दिख रही है, स्पीड कर दिए थे हम बाद में। उसके बाद देख सकते हैं ये बरोड़ा का पंडाल बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग को दिखाते हैं। मेन गेट पहुँच गए हम लोग, तो चलिए फटाफट अंदर की तरफ चलते हैं। ये बाहर से कुछ व्यू है, यहाँ मेला वगैरह ठेला लगा हुआ है, देख सकते हैं खाने पीने का बहुत सारा व्यवस्था है। उसके बाद ये पतली गली से घुस गए हम लोग। उसके बाद देखिए इधर कुछ कुछ स्टोर है, बहुत सारा मेला में सामान लगा हुआ है। यहाँ पे फटाफट प्रसादी लेंगे और मंदिर की तरफ चलना है, तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं आगे। और यहाँ से चल दिए हम लोग मंदिर की तरफ। बाहर से कुछ मंदिर बहुत ही अच्छा लगा देखने में, पंडाल कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका है। तो हम लोग पहले पूजा कर लिए फटाफट, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिए, पंडित जी से आशीर्वाद ले लिए। हम लोग सामने से थोड़ा देख लिए माँ दुर्गा को, बहुत ही अच्छा आनंद लगा। और देख सकते हैं मोबाइल हमने कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ से हम क्या किए, उसके बाद पंडित जी से तिलक वगैरह लगा लिए, फ़ोटो खिंचवा लिए। हम लोग चल दिए सामने, फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छा स्पेस था। हम लोग पहले उधर चलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। हम लोग फोटो वगैरह क्लिक करवा लिए हैं। उसके बाद चलते हैं बाहर तरफ पंडाल के। तो बाहर से पंडाल का नज़ारा कुछ देख सकते हैं इस तरह का है। नीचे में कुछ फ्लावर्स रखा गया है, छोटा छोटा ट्रे है। और मेला का व्यू कुछ इस तरह का है, दिन में कुछ ज़्यादा भीड़ भड़कर नहीं था, इसीलिए हम लोग आसानी से आराम से घूम भी पाए। रात में बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की होता है, इस कारण हम सोचे कि दिन में ही बेस्ट रहेगा। सारा कुछ बंद है अभी, ये सब कुछ भी अभी नहीं है, बच्चा के लिए खिलौना है, बड़े बुजुर्ग के लिए भी है, तो हम लोग ये सबसे कोई मतलब है नहीं, बस मेला घूम लिए देख लिए और सोचे कि अब अगला पंडाल की तरफ चलना चाहिए। फिर सोचे कि चलो भाई एक बार मंदिर पंडाल का व्यू थोड़ा दिख लेते हैं, पंडाल का व्यू थोड़ा देख लिए, अब चलते हैं बाहर की तरफ निकलते हैं। मेला तो देख लिए, देख लिए क्या, सारा कुछ अभी बंद है दिन में, कर दिए, रात को खोलने वाला है, तो चलिए रात को आएंगे। अब मम्मी को कुछ पसंद आ गया, तो मम्मी बोला कि अस्टोर तरफ कुछ सामान लेना है, मम्मी पसंद करने लगी। और साथ में दादी बोली थी कुछ हमको सामान ला देना है, चलो मम्मी उसके लिए भी ले लिए। और हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और अगला पंडाल के चौथा पंडाल प्रवेश करने जा रहे हैं डुमरा में। चलिए ये डुमरा का राजबाड़ी देख सकते हैं, बहुत ही पुराना है, यहाँ पे राजाओं का वास था, यहाँ पर राजा सब रहते थे। चलिए मंदिर पर प्रवेश करते हैं। ये महल सब कुछ इस तरह का था और साइड में बहुत सारा उतना पंडाल से घेर दिया गया है। अभी पूरा खाली खाली है। वहाँ के नज़दीक तो नहीं जा पाए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए मम्मी ला रही है तिलक, वही टीका लगाती है। अब बाहर की ओर चलते हैं, मंदिर का दर्शन कर लिए। चाचा पढ़ा दिल्ली चाचा
आगे हमारा खाना थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। पाकिस्तान का गेंद जलापोटी वाले बगल देखने देखने नीचे ये शॉट है पहुंच चुके हैं। बस माँ का दर्शन करके थोड़ी देर में निकल जाएंगे। दादू बाजू बागमारा के रथ चढ़ पहुंच गए हैं। देख सकते हैं पंडाल का भी कुछ इस तरह का है। अब अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेंगे। फिलहाल प्रसाद लेने मम्मी चली गई हैं। हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, भाई कैमरा कर रहे हैं। तो चलिए अब लोग अंदर का नज़ारा कुछ दिखाते हैं किस तरह का है। तो हम लोग फटाफट मंदिर की ओर अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, उसके बाद पूजा करेंगे और निकल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं अंदर से कुछ भी इस तरह का है, कुछ चेयर वगैरह रखा हुआ है बड़े बुजुर्ग के लिए। हम लाइन में लग गए हैं, खाली खाली है। तो मस्त से पूजा हो गया, शाम हो ही रहे हैं। धीरे धीरे मम्मी चल गई पूजा करने के लिए, हम यहीं से माँ का दर्शन कर लिए और पूजा करते ही हम लोग वहाँ से पंडित जी से थोड़ा सा बात करके थोड़ा सा सारा व्यू हम दिखा दिए। उसके बाद हम फिर नज़दीक की तरफ चले गए हैं। पंडित जी को हम पूजा करने के लिए प्रसाद दे दिए थे, पंडित जी पूजा करने का प्रोसेस में लगा दिए हैं। उसके बाद हम नज़दीक की ओर चल रहे हैं और फिर हम प्रसादी भी ले लिए और आशीर्वाद भी ले लिए। माँ देवी का एक बार भी हम दिखा दिए चारों तरफ से। फिर हम सोचे कि यहाँ से अब अगला पंडाल की तरफ बढ़ना चाहिए। हम लोग का छठा था, तो अब छठा नंबर पंडाल में हम लोग कम्प्लीट कर लिए। अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, सातवां नंबर में हम लोग को जाना है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं फिलहाल और फिर आगे का पंडाल की तरफ पहुँचते हैं। ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है, एकदम सन्नाटा, खाली खाली है, मस्त जब से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। मेला वगैरह इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए खिलौना, कुछ खाने पीने का है, कमेटी मेंबर कुछ बैठे हैं। बस ये पंडाल का व्यू है बाहर से और यहाँ कोई कुछ नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बागमारा स्टेशन अपना लोकल स्टेशन पहुँचने वाले हैं और हम लोग यहीं पे लास्ट, उसके बाद चलेंगे घर। चलिए फिर आप लोग को दिखाते हैं स्टेशन वाला। बागमारा लगभग हम 7 साल आना जाना किए हैं, 10th, 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन। चलिए थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं कुछ समय में। बस माँ के प्रांगण में पहुंच गए हैं। यह है हम लोग का लास्ट, माँ देवी का दर्शन करके निकल जाएंगे यहाँ से। चलिए लास्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। मामा। ना ना कौन नहीं तो तुझे कहाँ से एकने आ जाते हैं तो करने में जान। तो
देवी का दर्शन कर लेते हैं फिलहाल। हमने टाइम में भीड़ थी, आराम से अल्प अल्प भीड़ भाड़ लगती है, मजा लगता है।